कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं अभी वीडियो आपके सामने, मैंने अभी कपड़ों की वीडियो मैंने आपको शो की है कि मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि कपड़े आ गए हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम कितने पैसे स्पेंड करते हैं कपड़ों के ऊपर, जूतों के ऊपर, खाना पीना, घूमना, अपने फेशियल्स और ये सब दूसरी चीजें, मेकअप और ये, लेकिन कितनी बार ऐसे होता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। तो सब चीज़ों के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है, अभी पहले की तरह वो खाने में वो हमें खालिस खाने भी नहीं मिलते कि हम कहें कि हम ये चीज़ खा रहे हैं उसकी वजह से हमें आयरन और ये दूसरी चीज़ें हमें जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है हमें मिल रही है। तो फिर हमें जाहिर है कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक एज से ऊपर जब हो जाए तो आपको जरूर मल्टीविटामिन जरूर खाने चाहिए। आयन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सबको ही जरूरत है। विटामिन डी की जरूरत है बोन्स के लिए, यहाँ तक कि पहले तो कहते थे ना 40 क्रॉस कर जाओ तो आप ये मल्टीविटामिन और सब खाओ, अभी तो बच्चों के लिए भी इतना जरूरी हो गया है कि हम बच्चों को मल्टीविटामिन दें। और क्योंकि उनको खाने से वो सब कुछ नहीं मिल रहा, दूध भी खालिस नहीं है, मीट नहीं है, किसी चीज में वो उनको नहीं मिलता सब कुछ। तो जो मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत अगर खाने से नहीं तो हम कुछ ऐसे मल्टीविटामिन ले लें जिनसे हमें कुछ अच्छा फायदा मिल जाए। तो मैं जो मेरे लिए जो लगता है ना, जो मैं रिकमेंड करती हूँ मेरी बॉडी के हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है, मुझे बहुत साल हो गया मैं सेंट्रम खाती हूँ। अब आप किस सब जगह मिल जाती है सेंट्रम, ये इतनी अच्छी मल्टीविटामिन है, इसके अंदर बहुत कुछ है। इसके अंदर विटामिन डी है, बी है, B2 है, B3, B6, B12 और फोलिक एसिड्स, इसमें बहुत कुछ है। तो लेकिन ये है कि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कुछ है इसमें लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मेरे पास दो ऑप्शंस थी, मैं हमेशा से वेल वुमन खाती थी। ये मेरी बेटी की है, मैं उसके लिए भी लेती हूँ। ये वेल टीन है, ये टीन एजर्स के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मैं इसी में ही पहले वेल वुमन खाती थी, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा उसके अंदर ओमेगा 3 भी था, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मुझे बहुत स्लोली इसका फायदा हो रहा है। तो फिर मैं बंद करके सेंट्रम शुरू कर देती थी। फिर मैं मुझे जब मैं फार्मेसी पर जाती थी तो मुझे फार्मासिस्ट कहता था कि दोनों में अगर कंपेयर करें तो वेल वुमन ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं फिर स्टार्ट कर देती थी और फिर बहुत स्लोली मुझे लगता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे सेंट्रम ठीक लगती है, तो मैंने ये खानी शुरू कर दी। अगर आपको इन दोनों में से कोई, ये तो बच्चों की है, टीनेजर्स की है, लेकिन अगर वेल वुमन या वेल मैन भी, मैं अपने हस्बैंड के लिए भी लेती हूँ, आपको उसमें से कोई भी आपको अगर सूट करती है इन दोनों में से, तो आप जरूर जरूर खाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी मल्टीविटामिन है। इसके अलावा जो मैं खाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है ना B6 B12 बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा इसमें है तो सबकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी है। तो उसके साथ मैं ये लेती हूँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें विटामिन सी भी है आयरन एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये मुझे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मुझे फील होता था कि मेरे में विटामिन B6 और 12 सब में, आजकल सब यही कंप्लेन करते हैं कि उनके अंदर विटामिन सिक्स और B12 की बहुत कमी है। बट मैं बहुत टायर्ड फील करती थी। तो कभी आपको ऐसे लगे कि आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, आपके आपके मेरी काफ्स में, टांगों में बहुत दर्द होती थी, तो फिर मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि मुझे विटामिन B6 और B12 की ज़रूरत है, आप अपने टेस्ट करवाएं, उसके अंदर सभी आ जाता है। तो ये आप ज़रूर लें, आप जहाँ पर भी रहते हैं आपको कोई भी डिफरेंट मेक जो है वो मिल जाएगी जिसके अंदर ये सब कुछ होगा। तो इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरी चीज़ है वो है विटामिन D3। D3 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बोन्स के लिए, हमारे मसल्स की हेल्थ के लिए। D3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब के लिए। क्योंकि जब एक दफ़ा D3 की कमी हो जाती है बॉडी में, फिर आप जितना मर्जी धूप में बैठे उसकी कमी पूरी नहीं होती।
तो इसीलिए मैं ये जरूर लेती हूँ दिन की एक टेबलेट इसकी। आप ज्यादा भी ले सकते हैं, मुझे लगता है दो भी ले सकते हैं या वो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं इसकी एक लेती हूँ, इसकी एक टेबलेट इसकी लेती हूँ, एक सेंट्रम लेती हूँ। और ये है मेरी, ये मेरी हेयर, स्किन और नेल्स, ये तीन है, ये मैं जरूर लेती हूँ क्योंकि मुझे बालों का बहुत ज्यादा इश्यू है। मेरे बाल बहुत ज्यादा हैवी थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कोविड के बाद मेरे बाल बिल्कुल खत्म हो गए थे, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगा था। तो ये मैं जरूर लेती हूँ, ये मेरी काफी देर चल जाती है क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो कि मैं हर रोज नहीं खाती, एक वीक खा भी लूंगी फिर उसके बाद स्किप करना शुरू कर देती हूँ, तो मेरी काफी देर चल जाती है। सो अब मैं अपने बेटे के लिए भी, ये देखें बच्चों के लिए भी, ये सेंट्रम बच्चों के लिए भी होती है, ये उसको कभी गमीज खानी होती है तो वो गमीज स्टार्ट कर देते हैं, तो कभी ये टेबलेट्स खानी होती है। ये मुझे ऑफर में मिली थी तीन, तो मैंने तीन ले ली, लेकिन मैं उसको जरूर देती हूँ। आजकल बच्चों को भी इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये मल्टीविटामिन है, इसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। सो ये हो गई बच्चों की, मेरा बेटा 10 साल का है तो मैं उसको ये देती हूँ। मेरी बेटी टीनेजर है और मैं अपने तीनों बच्चों को ये टैबलेट्स ये देती हूँ, वेलटीन, और लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है और बच्चों के लिए। सो आप जरूर अपनी सेहत का जरूर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होता, कोई भी इंसान, जितना भी कहें कि आपके पास हाउस हेल्प है आपके काम करने के लिए, लेकिन अपने आप को खुद हमने ही चलाना होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सेहत का ध्यान, डॉक्टर से पूछें, टेस्ट करवाएं अपने, अगर फार्मासिस्ट पे भी आपसे उनसे पूछें कि कौन से विटामिन अच्छे हैं आपके लिए, आपकी एज के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से। और अगर कोई आप किसी मेडिकेशन पे हैं तो आप जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर खाएं, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ खाएं, और ये हम सबके लिए अच्छा है।